Hello, my dear kids, welcome back to the Turning Point publication. I am mandana and we are doing EVS of Class 5. So, children, this is your book, My Green World, and today we are going to start with chapter number 5. And the name of the chapter is Animal Life. So let's start the chapter. Think and make a list of all the ways in which animals are useful to us. So, nail ways we think out karna, aur ek list. जिसमें एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं देर आर मेनी वेज कंपेयर योर लिस्ट विथ योर पार्टनर सो यू हैव टू डू दिस विथ योर क्लासमेट डिस्कस इट विथ योर टीचर यू नो दैट प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड आपको पता होगा कि प्लांट एक ऐसे लिविंग थिंग है जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट्स फॉर द फूड एनिमल्स क्या करते हैं या तो डायरेक्टली वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट को अपना फूड बनाते हैं वी कैन सी दिस क्लियरली इन द फूड चेन सो फूड चेन को अब हम पढ़ेंगे तो, तो हम इस बात को क्लियरली हम पढ़ लेंगे कि कैसे द एनिमल्स आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स सो ऑल लिविंग थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द फूड चेन फूड चेन शोज हु इज ईटिंग वॉट और होम सो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो पार्ट है एक फूड चेन का जो ये जो फूड चेन है ये शो करता है हु इज ईटिंग एंड होम इज एंड वॉट कौन किसे खा रहा है और क्या खा रहा है इट शोज हाउ ईट लिविंग थिंग गेट्स इट फूड ये बताता है कि कैसे हर एक लिविंग थिंग अपना फूड उसे मिलता है फूड चेन में आप देखो कैसे एरो दिखाई देंगे फ्लो फ्रॉम ऑर्गेनिजम कंज्यूम टू कंज्यूमर सो ये यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ मैपल ट्री लीव्स लीव्स को किसने खाया क्रिकेट आपने देखा होगा ये एक इंसेक्ट है अब इस क्रिकेट को किसने खाया या तो एलिगेटर खा रहा एलिगेटर लिजर्ड खा रहा है या फिर रॉबिन बर्ड ने खाया अब इस एलिगेटर लिजर्ड को फॉक्स ने खा लिया या फिर इस रॉबिन को फॉक्स ने खाया या रॉबिन को कूपर्स हाक ने खा लिया सो दिस इज द फूड चेन दैट गोज फ्रॉम हियर टू देयर सो प्लांट को इनडायरेक्टली फॉक्स ने खा लिया है सिमिलरली डेड एनिमल्स कोई भी डेड एनिमल है अब इसे कौन इंसेक्ट्स खा रहे हैं अब इन इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है एलिगेटेड खा रहा है और अगेन इस को ने खा लिया। Similarly, अब इस एनिमल को खा रहे हैं इन को ने खाया और इस मेलीपेटी को वापस से एलिगेटेड ने खाया, सो ईच लिंक इन द फूड चेन इज फूड फॉर द नेक्स्ट लिंक सो so, जो भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है वो अगले लिंक का एक फूड बन जा रहा है अ अ फूड फूड चेन चेन ऑलवेज प्लांट एंड एन एनिमल जो है हमेशा एक प्लांट से शुरू होता है और एनिमल पे जाके खत्म हो जाता है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं दे आर एवल टू यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द स टू प्रोड्यूस फूड ये क्या करते हैं ये लाइट और एनर्जी को और अपना खुद का फूड बनाते हैं शुगर या फिर ग्लूकोज बनता है फ्रॉम कार्बन डिऑक्साइड एंड वाटर एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है क्यों क्योंकि क्यों, क्यों? प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स वो एनिमल्स जो क्या करते हैं सिर्फ प्लांट्स को खाते herbivores है. example, हैं हर्बीवर्स कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल डियर एंड एलिफेंट दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्वर्स ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवर्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल द लाइन टाइगर एंड ईगल दे आर कॉल्ड और इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स वो एनिमल्स या फिर जो वो लोग जो क्या करते हैं दोनों ही एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं उन्हें ओमनिवर्स कहा जाता है

आ, ये जो भी चीज़ें जो भी मिनरल्स रिलीज करते हैं उसे कौन ऑब्जॉर्व कर लेता है प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और उसे एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेते हैं एज एनिमल्स ईट मोर देन वन थिंग दे कैन बी पार्ट ऑफ मोर देन और वन फूड चेन सो ये जो एनिमल्स हैं ये एक से ज़्यादा चीज़ों को खाते हैं तो वो पार्ट हो सकते हैं किसी एक फूड चेन के या फिर उससे ज्यादा देअ फॉर इन नेचर इसलिए जो नेचर है उसमें बहुत सारे फूड चेन जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इसकी वजह से एक नेटवर्क बनता है फूड चेन का जो एक काफ काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है बहुत ज्यादा चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है दिस मशरूम फंगी नेटवर्क इज नोन एज अ फूड वेब और इस नेटवर्क को हम फूड वेब के भी नाम से जानते हैं नाउ योर चिल्ड्रेन यू हैव टू लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द फूड वेब सो ये यू कैन सी द ग्रास इज देयर दीस एनिमल्स आर ईटिंग द ग्रास एंड दीस एनिमल्स आर ईटन बाय दीस एनिमल्स दैट आर गिवन ऑन द टॉप सो यू हियर यू कैन सी द फूड वेब इन फ्रंट ऑफ यू

एनिमल का जो पॉपुलेशन साइज है उसे कम कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा जो दूसरे एनिमल्स जो उस पर्टिकुलर एनिमल पे डिपेंडेंट है उनका भी ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा दिस इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन विथ इन द फूड चेन हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस इन एनिमल पॉपुलेशन विद इन आर कॉम्युनिटी सो ये जो इंटर है पॉपुलेशन का फूड चेन पे ये क्या है? करता है so हेल्प करता है मेंटेन करने में बैलेंस सो इट हेल्प इन टू मेंटेन द बैलेंस इन एनिमल पॉपुलेशन एनिमल पॉपुलेशन का जो बैलेंस है इसे मेंटेन करता है विद इन अ कम्युनिटी एक कम्युनिटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर टू मैनी डियर अगर बहुत सारे डियर हैं देयर विल बी सफिशेंट ट्रीज एंड श्रब्स फॉर ऑल ऑफ ईट अगर बहुत सारे जो है डियर हैं तो क्या होगा डियर होंगे, होंगे तो उनको खाना कम मिलेगा एंड जिसकी वजह से क्या होगा डीयर्स के लिए खाना कम पड़ जाएगा और वो मर जाएंगे दिस प्रेजेंसर डियर वोट गेव द ट्रीज एंड श्रब्स मोर टाइम ये जो प्रेजेंस है कुछ डियर का वो क्या करेगा वो देगा और कम डियर होंगे तो क्या होगा ज्यादा ट्रीज और श्रब्स ग्रो होने लगेंगे टू मेच्योरिटी एंड टू मल्टीप्लाई ये ट्रीज और श्रब्स ज्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाएंगे बट इट वुड ऑल्सो मीन दैट देर इज लेस फूड अवेलेबल फॉर द लैंड टू इट लेकिन अब इधर श्रब्स और ट्रीज तो बढ़ गए लेकिन डियर कम है तो इन डियर्स को कौन खाता लायन खाता अब लायन के लिए जब डियर कम है तो लायन के लिए फूड कम हो जाएगा Therefore, some lion will starve to death. और कुछ लायंस जो है क्यों क्या हो जाएगा वो मर जाएगा क्योंकि उन्हें proper food नहीं मिल पा रहा है. When there are fewer lions, the deer population will increase. और जब कम लायंस बचेंगे तो क्या होगा जो डियर की population है वो increase हो जाएगी. Similarly, when farmers use insecticides and pesticides to kill insects that destroy their crops. द केमिकल नॉट ओनलीक्ट बट ऑल्सो बर्ड एंड ऑफ द सेम फूड चेन सो यह चिल्ड्रेन यहाँ पे याँ आपको बताया जा रहा है कि जब फार्म क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वो ग्रो करते समय क्या करते हैं वो इंसेक्टीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को अपने क्रॉप्स पे डालते हैं क्यों डालते हैं ताकि वो इनसेक्ट जो इन क्रॉप्स को खा जाते हैं वो मर जाए अब ये जो केमिकल है ये उन इंसेक्ट्स को ही नहीं किल कर रहा है ये क्या कर रहा है उन बर्ड्स और फ्रॉक्स को भी किल कर रहा है जो इन इंसेक्ट्स को खाते हैं सो दीज इंसेक्ट्स बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन क्योंकि सब एक ही फूड चेन के पार्ट हैं द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर बाय प्लांट्स टू ये जो या पेस्टिसाइड है ये जो दूसरे प्लांट्स हैं ये भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड गेट स्टोर वेजिटेबल और ये इंसेक्टिस में स्टोर हो जाता है खाते हैं तो क्या होता है Our body also gets जो body वो भी पॉइन हो जाती है लेफ्ट टू इट्स नेचर कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट सो ये जो नेचर है ये क्या करती है ये जो इंसेक्ट और पेस्ट है कंट्रोल करती है हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए ये स्मॉल क्रिएचर्स को खाते हैं दिस इट इज बेटर टू डिपेंड ऑन सच एनिमल सच नेचुरल मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट रेदर देन यूज पेस्टिसाइड सो काफी ज्यादा बेटर है सो so चिल्ड्रन

फूड चेन बाय द फॉलोइंग मेथड्स हम क्या कर सकते हैं जो फूड चेन उसे अलग अलग मेथड से कंजर्व कर सकते हैं द फर्स्ट इज केयरफुल नॉट टू यूज हार्मफुल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड तो पहला मेथड क्या कहता है हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमें हार्मफुल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करना चाहिए नॉट डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट हमें फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए नॉट किलिंग एनिमल्स हमें एनिमल्स को भी नहीं मारना चाहिए

तो इससे क्या होता है बहुत सारे ट्रीज को हम कट डाउन कर देते हैं बहुत सारे जंगल को क्लियर कर देते हैं फॉर हाउस एंड फॉर फार्मिंग अपने घर बनाने के लिए और खेती के लिए वी हैव एन क्रोस्ड अपॉन एनिमल हैबिटेशन सो एनिमल्स का जो घर है उसे भी हमने खत्म कर दिया इस प्रोसेस से एज अ रिजल्ट व्हाइल एनिमल्स आर लूजिंग देयर होम्स एंड डाइंग तो अब जो है क्योंकि हमने एनिमल्स का घर खत्म कर दिया तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं हैं जाएंगे ये अपना घर खो दे रहे हैं और जंगल बहुत सारे एनिमल्स जो है उन्हें जो है पोचर्स जो है जंगल में मार देते हैं शिकारी मार देते हैं इन्हें एंड पोचर्स आर पीपल हु इन लीगली किल एनिमल्स टू द मार्केट फॉर अ High price. Poachers कौन होते हैं वो लोग होते हैं जो एनिमल्स को इलीगली मार देते हैं उनके पास इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता कि नो दे है राइट टू डू दू हंट द एनिमल्स सो ऐसे लोग जो इन लीगली एनिमल्स को मार देते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर देते हैं मार्केट में फॉर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी सो दीज पीपल आर कॉल द कोचर्स इंस्पाइट ऑफ आ बैन ऑन कोचिंग एनिमल्स आर फ्रिक्वेंटली पता होगा कि बैन लग चुका है इसके बाद भी बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है किस चीज के लिए उनके फर के लिए उनके स्किन के लिए ऑयल के लिए बोन्स के लिए हॉन्स टीथ एंड अदर पार्ट डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए पोलर बियर्स आर किल्स फॉर देर फर पोलर बियर को क्यों मारा जाता है उसके फर के लिए एलिफेंट फॉर देर टस्क एंड हॉर्न्स सो एलिफेंट को उनके टस्क के लिए मीन्स उनके जो टीथ होते हैं और जो राइनोज है उनके हॉर्न्स के लिए उन्हें मारा जाता है टाइगर डियर स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर किल फॉर देर स्किन सो ये जो टाइगर डियर और स्नेक है या जो क्रोकोडाइल इन्हें इनके स्किन के लिए मारा जाता है

ये जितने भी स्पीशीज है प्लांट्स के एनिमल्स के वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले एक्सटिंक्ट मीनस एकदम खत्म होने वाले वो आप दोबारा कभी नहीं देख सकते फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरी फ्यू राइनोज लेफ्ट अब जो है आप देखोगे कि सिर्फ कुछ ही राइनोज बचे हुए हैं द सेम इज ट्रू विथ एलिफेंट एंड टाइगर इन इंडिया और सेम चीज होती है एलिफेंट्स और टाइगर्स के साथ दिस ivory and the fur of animals are used now here in this activity you have to find out the name of five animals that have become extinct also find out more about them including how they have become extinct the dodo was a flightless bird it was hunted so wildly that in the year nine, 1681 became extinct so dodo egg bird thi pehle jo ek flightless bird thi jo उसको इतना ज्यादा हंट किया गया कि 1681 में वो एक्सटिंक्ट हो गई दोबारा कभी देखने को नहीं मिली नाउ देर आर नो मोर डोडो अर्थ सो अर्थ में अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी हाउ वी कैन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड हाउ कैन वी डू दिस लेट्स रीड हियर वी नीड टू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स तो हमें एफर्ट्स को फॉलो करना चाहिए इसलिए ताकि हम प्रिजर्व कर सकें प्रोटेक्ट कर सकें अपने प्लांट्स और एनिमल्स को इन देअ नेचुरल हैबिटेट एज वी हैव सीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी फूड चेन जैसा कि हमें पता है कि ये जो प्लांट्स है या जो एनिमल्स है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हर एक

बायोस्फीअर रिजर्व आर सच प्लेस इन इंडिया सो कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि जिम कॉबर्ट काजिरंगा एंड सुंदरबन बायोस्फी रिजर्व दीज आर सम ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल वाइल्ड लाइफ इन दिस फॉरेस्ट इज नॉट परमिटेड तो यहाँ पे पेड़ काटना और एनिमल्स को मारना इज नॉट परमिटेड कीपिंग अ चेक ऑन द ग्राउथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ज ऑफ वॉटर सो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ पे एक चेक रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बैनिंग द किलिंग ऑफ रेयर टून और आनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो दें एंडेंजर्ड है उन्हें मारने से पे बैन लगाना चाहिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन से So, 1973 में, ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था एंडियां तो जब हमने टू थाउजेंड फिफ्टीन में सारी काउंटिंग की दोबारा टाइगर्स की तो देखा गया कि टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी कहा जाता है कि एक इंप्रूवमेंट है है टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा बैनिंग द सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल्स ऐसी चीजें ऐसी चीजें जो, जो मैन्युफैक्चर होती है इन एंडेंजर्ड एन एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स ऐसी चीजों को बैन कर देना चाहिए अंडरटेकिंग सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव एफ फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए मीन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और वन महोत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए विच प्रमोट द प्रोटेक्शन जो क्या करता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है अलग अलग पार्टी कंट्री के सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो वाइल्ड लाइफ के कॉन्जर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं दे आर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस आई यू सी एन पीपल एंड फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल पेटा एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी So, these are a few of the programs Crocodile Breeding and Management Training Research Institute. So, these are a few of the programs nationally or internationally, these organizations are working for the betterment of the plants and animals. Now, domestic animals and their uses. So, here we are going to learn about some domestic animals and their uses. सो थाउजेंड ऑफर्स अगो ह्यूमन लर्न टू टेम सम्यूम थे अपना पेट बनाना एनिमल्स को कैसे अपना पेट बनाया जाए जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल्स डॉग कैट काउ हॉर्स डीज एग्जाम्पल इवन दे केयर फॉर देम ये लोग जो थे ये ह्यूम थे इनकी ध्यान रखते थे फेड एंड इनका ध्यान रखते थे इन्हें खिलाते पिलाते थे और इनके अलग अलग तरीके से यूज करते थे दीज एनिमल्स यूजली स्टे क्लोज टू और विथ ह्यूम कॉल डोमेस्टिक एनिमल्स ये एनिमल्स जो हैं हमारे बहुत क्लोज हैं और इन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं ह्यूमन्स डोमेस्टिक डिफरेंट एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज ह्यूमस क्या करते हैं अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग, अलग पर्पज के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं उनको पालते हैं अपना साथी बनाने के लिए फ्रेंड बनाने के लिए उन्हें रखते हैं डॉग्स आर द ब्लाइंड तो डॉग्स को यूज किया जाता है houses को uh, guard करने के लिए और जो ब्लाइंड लोग हैं उन्हें गाइड करने के लिए

Products like sweets, ghee, butter, goat, cheese and paneer are made. So these animals हैं ये milk देते हैं जिससे ये सारे different different items बनते हैं. Goats and sheep are reared for their meat. जो goats हैं या जो sheep हैं उन्हें या उनके meat के लिए and hide के लिए reared किया जाता है पाला जाता है. And hence for their meat and eggs. और hen को भी उनके meat और egg के लिए पाला जाता है.

उसे मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है टू फर्टिलाइज द सोइल ताकि ये सॉइल को फर्टिलाइज कर सके इट्स ड्राइड मिक्स विथ हे एंड बर्न एस फ्यू इसे जो है ड्राई किया जाता है घास फूस के साथ मिक्स किया जाता है और एज अ फ्यूल इन्हें बर्न किया जाता है और मिक्स विथ वाटर इन टर्न इन बायोगैस या फिर इन्हें पानी के साथ मिक्स करके बायोगैस बनाया जाता है या गोबर गैस बनाया जाता है विच

इन को दूर रखता है here children you can see the picture of shearing this is shearing which means जब हमारे जो शीप है उनकी बॉडी पे फुल्ली ग्रोन हेयर आ जाते हैं तो उनकी जो बॉडी हेयर होने शेव कर दिया जाता है cutting off wool of the sheep इन्हें शेव करके वूल को जो है यूज किया जाता है उससे जो है वूल बनाया था जिससे हमारे घर में स्वेटर्स वगैरह हम पहनते हैं Fish and other water animals found in river, sea, tank, pond, and lakes are a source of food. So, these sea animals are food ka ek source. Hai. The hair of sheep, goat, and camel is sheared off and used to make wool. So, sheep, goat, or camel hai, inke jo body hair is used to make wool. Ke liye. We use this wool to make shawl, blanket, carpet, and other warm clothes. तो वार्म क्लोथ्स बनाने के काम आते हैं ये वूल वी यूज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स सच एज क्रोकोडाइल बफेलो काउ कैमल्स एंड स्नेक टू मेक लेदर फॉर बैग्स सो जो क्रोकोडाइल हो गया या बफेलो या फिर काउ या फिर कैमल या फिर स्नेक इनकी जो स्किन होती है डेड एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको यूज किया जाता है लेदर बनाने के लिए लेदर से बैग्स बनते हैं पर्स बनते हैं शूज बनते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनते हैं

The herbivores in the food chain are known as consumers, dash consumers, producer, primary, or secondary. So, these are called the primary consumers. In the food chain, fungi is, are known as decomposers, producers, or providers. So, yes, fungi are called decomposers. So, similarly, children, you have to do the rest of the questions that are given here. Now let's move on to true and false. A food chain starts with plant. Yes, true. Trigers are primary consumers. No, false. So do the rest questions on your own, children. Now let's move on to question and answers. What is food chain? And give an example of the food chain. So this do on your own. Why is using insecticide harmful? So, insecticide is harmful to everyone because people or the living organisms, directly or indirectly, they come in contact with the insecticides. Uh, the farmers spray these insecticides in their crops, on their crops to protect their crop from insects, and these insects are eaten by the birds or the frogs. And these uh, infected insects affect the birds and the frog because of which they die. And these insectivorous sprayed plants we use in our kitchen and we also use it and we also get infected. So this that's why insectivorous is very, very harmful to us. Why do people kill wild animals? people kill wild animals for their fur for their skin for the tusks and the different body parts so for the different body parts the uh, people what do they they hunt the animals the wild animals and sell these parts at a higher price now the next question is how are domestic animals useful to us domestic animals give us milk and different products that help us also they help us in the work of farm they are also called livestock So join all these points children and complete the given answer. Similarly you have to do the rest questions that are left here on your own. Now in the fun time, in the list of animals below, circle so the animals used for transport in red. So यहाँ पे एक list दी गई है उनमें से उन animals को circle करना जिन्हें हम transport के लिए use करते हैं उन्हें red colors से हमें क्या करना है सर्कल करना है फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इन ग्रीन फूड या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए हम ग्रीन यूज करेंगे एंड जिन्हें रखते हैं उन्हें हम येलो से करेंगे सो फर्स्ट लेट्स डू यूज फॉर ट्रांसपोर्ट सो बफेलोस डोंकी एलिफेंट बुलब सिमिलरली We have to circle green for food. so food fellows uh, give us food next uh, fish, similarly, we have to circle those pets with yellow. So the pets are rabbit, cat, and so on. So children, you have to find out and. Do the rest of the questions. Now, the next question is find out the name of five national parks, wildlife centuries, or biosphere reserves in India and do a project on one of them. So, ek pe ek project banana. Hai. You have to write down the location, the wildlife it supports, and how big it is. Hai wo? Find out about organizations involved in wildlife preservation and protection. डब्ल्यू डब्ल्यू एस इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ढूंढना है एंड टू राइट ना वर्क इन ग्रुप सेलेक्ट एनी एनिमल दैट इज एन डेंजर एंड राइट अबाउट इट उस एनिमल के बारे में लिखो जो एन डेंजर है ईच ग्रुप शुड वर्क ऑन डिफरेंट एनिमल एंड यूज अ वेबसाइट दिस वेबसाइट यू कैन यूज फॉर फाइंडिंग मोर डिटेल्स So, children, these questions you have to do on your own. And with this, we have completed the chapter. I hope that you understood it, and uh, I uh, you have to complete the given exercise. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated, keep smiling, and take care.